गाइस एक बार के लिए सिंपल सा कंसेप्ट था। अगर मान लो आप लोगों के पास दो पाइप्स है, दोनों पाइप्स पानी भर रहे हैं, ठीक है, एक को पूरा कंप्लीट करने के लिए कुछ ए आर्स लगते हैं, दूसरे को कंप्लीट करने के लिए कुछ बी आर्स लगते हैं, ऐसा एन ए एन बी ले लो, और टोटल टाइम दोनों को शुरू किया है तो एन ए बी मैं बोल रहा हूँ, इसके बीच में रिलेशन क्या था, वन ओवर एन ए प्लस वन ओवर एन बी इज इक्वल टू वन ओवर एन ए बी, ठीक है, ये था आप लोगों का। अब यही चीज़ अगर मान लो एक एम्प्टी करता है तो उसको माइनस कर देते, फेयर इनफ है यहाँ तक के, तीन होते थे तो तीसरे को भी ये ऐसे ऐड कर लिए होते, दो भर रहा है तीसरा खाली कर रहा है सप्राक्ट कर लिए होते, यहाँ तक के फाइन है, ठीक है, दो खाली कर दोनों को माइनस माइनस करेंगे एक प्लस, ठीक है। अब सुनिए, हाँ चलिए ध्यान दीजिए। अब बेटा अगर मान लो ये तो ऐसा था कि सबके इक्वल टाइम जितना टाइम में भरता है उसके लिए किए, बट इस बार ऐसा नहीं है, कुछ मेरा एक है जो एक्स आर्स के लिए चल रहा है, दूसरा है कुछ वाई आर्स के लिए चल रहा है, ठीक है, और फिर पूरा भरा है या पूरा एम्प्टी जो भी था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एन ए प्लस वाई अपॉन एन बी इज इक्वल्स टू वन। अब अगर ये खाली कर रहा था तो ये माइनस हो जाएगा, जो भी, ये आप लोगों का बेसिक सा कंसेप्ट चल रहा था पूरे इसमें, फेयर इनफ। हाँ तो अगर तुम्हारा एम्प्टी अगर होने वाला है, फुल्ली एम्प्टी अगर होने वाला है तो दोनों का ऐड करके माइनस जो तेरा भर रहा था वो नहीं वन होगा, वो भी तू तब एम्प्टी को वन टास्क मान रहा है, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, प्लीज 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 ध्यान दीजिए बच्चे लोग, प्लीज ध्यान दीजिए कि एक एक्स आर्स चला है भरने के लिए, दूसरा मे बी वाई आर चल रहा है भरने के लिए, और इन लोगों ने पूरी की टंकी नहीं टू फिफ्थ टंकी भरी है, 2/5 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अगर मान लो उसने टू फिफ्थ टंकी खाली की थी तो ये ऐसा, यानी ये खाली कर रहा था ये भर रहा था तब, ठीक है ना, ये ऐसा चलेगा। अब अपन क्वेश्चंस में इन चीज़ों को देखने वाले, मैं सिर्फ जिनको नहीं आया था कोई पर्टिकुलर आंसर उसका इक्वेशन बना के दूंगा बच्चा लोग, ठीक है। अगर आपका भी वही इक्वेशन था, मेरा भी वही इक्वेशन, फिर भी आंसर नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर इक्वेशन में इश्यूज था तो हम लोग उसको इक्वेशन देकर छोड़ देंगे तो सॉल्व करेंगे। एनी वन फॉर क्वेश्चन नंबर वन टू प्लीज। हाँ एक ना जान फिर मेरे को ना मीत के क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, हाँ प्लीज क्या होता मीत तो बोला कम काम कर रहा है। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ अभी के लिए, मे नॉट बी द परफेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि एक पाइप को शुरू किया, वो पाइप भरने के लिए कुछ 10 घंटे लगाता था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरे पाइप को मैंने 4 घंटे बाद शुरू किया, ठीक है, वो भरने के लिए शायद से 15 घंटे लगाता था, राइट। तो अब आपको बताना है ये दोनों कितने देर में ख़त्म किए होंगे। तो मान ले इन लोगों ने एक्स आर्स में कम्प्लीट किया होगा, तो ये तो पूरे कर एक्स आर्स चला है, ये कितने देर चला है तेरा, एक्स माइनस फोर चला है, वन, बस वन अपॉन एक्स नहीं कुछ, हाँ नहीं देख वो नहीं लिख पाएगा क्योंकि तेरा दोनों के दोनों इक्वल टाइम नहीं चल रहा है। तेरा जब इक्वल टाइम चलता है ना, कि मान ले ये एक्स भर, ये भी एक्स चला, ये भी एक्स चला, तब भर गया, तो एक्चुअल इक्वेशन क्या होता है, एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 होता था, वो एक्स वो तब मैं यहाँ से कॉमन निकाल के ऐसा लिखता था, तो वो फॉर्मूला ऐसा था, हाँ कि वहाँ से कॉमन निकल के यहाँ जा रहा था, और वो जो अपन ने डेरिवेशन में देखा था वी वी वी, वो वी 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 कट जाता था, समझ गए, हाँ वो जो बोल रहा है एक्स अपॉन 10 प्लस एक्स अपॉन 15 इज इक्वल टू 1, दैट इज एक्चुअली द करेक्ट वे। तुम लोगों को वो वाला 10 स्टैंडर्ड में जो था पाइप वाले, इसमें उसमें फॉर्मूला करवाया गया था कि 1 ओवर टाइम बाय टैप 1 प्लस 1 ओवर टाइम बाय टैप 2 इक्वल टू 1 ओवर टोटल टाइम, या फिर वो मैन वुमेन का वर्क वाला, नंबर ऑफ मैन अपॉन एक्स प्लस नंबर ऑफ वुमेन अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज, वो उस हिसाब से हम लोग अभी यहाँ पे करवाते हैं।
बट अगर तुम्हारा टाइम पीरियड अलग अलग है तो मुझे ए अपॉन नंबर करेक्ट टाइम बाय ए ओवर एन ए प्लस बी ओवर एन बी इक्वल टू वन कराना पड़ेगा। वहाँ पे ए भी कॉमन निकल के यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। अंशवीर क्या बोल रहे थे बेटा बोलो। तो मैं जैसे पहुंच रहा हूं, मेरा आंसर है 14.3 इसलिए 13 आवर्स 20 मिनट्स वो ऐसे राउंड ऑफ करके हम बेटा वो राउंड ऑफ नहीं किया, पहली बात तो उसने उसने आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट किया है। देख डेसिमल में लाने की जगह पे यार 13 1/13 1/3 ना 40/3 आवर्स आया होगा तेरा शायद से, या मिनट्स जो भी है, ठीक है मेरा। फाइन, तो ये इतने आवर्स है ना तेरा 13 आवर्स, तूने 13.33 आवर्स जो किया है, आई वुड सजेस्ट इसको 13 1/3 आवर्स लिख ले पहले। फिर तो ये 13 आवर्स हो गए और 1/3 आवर का मतलब क्या होता है, 1/3 × 60 = 20 मिनट्स। आई वुड से दिस इज अ बेटर फॉर्मेट, आई वुडन्ट से गलत है, मार्क्स कटने नहीं चाहिए बट बहुत ना आग से मत खेल, 12वीं का बोर्ड्स है, स्कूल की टीचर झगड़ा मारा पीटी कर लेगा तो बोर्ड्स में नहीं कर पाएगा बच्चा, ठीक है। मैदान क्यों नहीं आए अभी तक के? यस देख वैसे जस्ट तुम बता रहा हूँ 13 2/6 का मतलब होता क्या है, तुमको पता है क्या 13 + 2/6 होता है, तो कर सकते हो। हाँ यस, चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 एनीवन, 3 एनीवन, 4 एनीवन, 5 एनीवन, सॉरी 5 टू पाइप ए एंड बी कैन फिल इन 15 और 20 मिनट, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स पाइप ए को बंद कर दिया तूने, ठीक है। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल ये, एक तूने मान ले एक्स मिनट्स में खत्म किया होगा ओपन बट आफ्टर 4 मिनट्स, तो तेरा ए पाइप तो 4 ही मिनट चला है, तो ए अपॉन टाइम बाय ए, बी वाला तेरा पूरा टाइम चला है अपॉन 20 = 1, ठीक है। इसे कोई इश्यूज, यही इक्वेशन आई थी आपकी, समझाएगा अच्छा क्या हुआ है। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन, यस टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल सेपरेटली इतना इतने मिनट में, बोथ पाइप्स आर ओपन आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी टर्न ऑफ सो दैट द सिस्टम इज जस्ट फिल्ड इज जस्ट हाफ एन इज जस्ट इज फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर, ठीक है। तो गाइस देखो पहले हाफ एन आवर का मतलब मैं 30 मिनट्स पकड़ रहा हूँ इसको, फेयर इनफ। अब देखो मेरे को ये पता है कि बी को मुझे कितनी देर बाद बंद करना है, बोल एक्स आवर्स बाद बंद करना है, पर ए को तो बंद नहीं करना है, तो ए पूरा करा 30 मिनट्स मेरा चल रहा है, लगा 30 अपॉन ये जो भी आता है 37 1/2 ओके बस एक्स अपॉन 45 ठीक है इक्वल्स टू 1 अपॉन 30 के 1। अगर दोनों के टाइम अलग अलग रहे तो तेरा इक्वल टू 1 ही आता है ना, तेरा ये भी अगर 30 मिनट चलता तो ये 30 कॉमन निकल के यहाँ भेजा होता ना बेटा, मैंने होमवर्क ही नहीं किया क्या यार। देखो अभी देख एक समझा, मैं एक और समझाता हूँ, देखो देख अगर मान ले मेरा काम ए आर्स में कंप्लीट हुआ रहता तो एक्चुअल इक्वेशन मेरी ए बाय एक्स प्लस ए बाय वाई इक्वल टू 1 बनती है, ये सही तरीका इक्वेशन दोनों ए आर चले। अपन क्या करते ना वो ए कॉमन निकाल के इधर भेजते थे, अपने को ऐसा देखने के आते हैं। अब देख अगर ये ए आर्स में कंप्लीट हो रहा था, ठीक है, यानी ए आर्स एक्स चला है, बी आर्स वाई चला है, मेरा ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई इक्वल टू 1 ही चलेगा बच्चा, ठीक है। ध्रुव करना अटेम्प्ट, और छूट गया तो छूट ही जाएगा बच्चा आगे। और ये सब क्वेश्चन ना तुमको बहुत बार पूछ जाते हैं एंट्रेंस टेस्ट वगैरह फालतू के, ये ऑफिस में वो एलिगेशन मिक्सचर्स वगैरह ज़्यादा, ये एलिगेशन मिक्सचर ये IAS IPS वगैरह की जो एग्जामिनेशन होती है ना उसकी कौन सी बुक मेरे पास पढ़ी है, मैंने उसमें भी देखा उसमें भी था, यानी तुमको ज़्यादा ये बहुत सारे टॉपिक्स जो इसमें है ना तो पूरे टॉपिक्स में आते हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6 7 एनी वन इक्वेशन बताऊँ, मैंने वही सल्यू सॉल्व करके देखा उसका, तो वो जो सॉल्व करके देखा उसका आगे का 6 वाले में। हाँ बेटा ए गाई शांत प्लीज शांत बेटा, ए बेटा प्लीज शांत हो जाए, मीत एक बार ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 37 1/2 कितना होता है बेटा, 37 2 हो जाता है 74 75/2,
ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम, सो दैट इट इज फिल जस्ट आफ्टर 30 मिनट्स, 30 ओवर 75 ओवर 2, ठीक है, प्लस x ओवर 45 इज इक्वल टू 1, तो 60 ओवर 75 प्लस x ओवर 45 इज इक्वल टू 1, वो उधर गया तो मेरा जाएगा 15 ओवर 75 इक्वल टू x बाय 45, करेक्ट, फिर मैंने ये बस ये यहाँ बेच के सबट्रैक्ट कर लिया ना, चलो ठीक है ठीक है, 220 तुम वो LCM ले लो, ये 3 से मल्टीप्लाई 180 प्लस ये किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से होगा, 5x द होल ऑफ 225 इक्वल टू 225 हो गया, ये 5x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू 9 आ गई, हाँ तो 30/2 ही कर दिया, ये 2 लाख लिखा कि नहीं लिखा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, देखना तो ये 15 अपॉन ये कितना हो जाएगा तेरा, नहीं तो 2 से नहीं कट रहा, तो 5 से कट रहा है, तो 6 अपॉन 15 और फिर ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा तेरा 5, तो 4 अपॉन 5 बन रहा है बच्चों, 4 अपॉन 5 प्लस x बाय 45 इक्वल टू 1, तो x बाय 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 बाय 5 1 बाय 5, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7th बता रहा हूँ मैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, A system has two pipes. One can fill it in 8 hours. Other can empty in 5 hours. In how many hours will the system be emptied if both pipes are open together when 3/4 of the system was already full? सुन, वो 3/4 को ही खाली करना है, ठीक है? तो खाली करने वाला माइनस भरने वाला हो गया तेरे लिए, हाँ? वो क्या हो जाएगा तेरा? खाली करने वाला मतलब कितना है hours का? X upon 5. माइनस भरने वाला x अपॉन 8 इज इक्वल टू 3/4, तो खत्म करना था तेरे को 3/4 क्या अब देख तेरे को ये पता है तू एम्प्टी करने की बात कर रहा है, ठीक है, जो एम्प्टी कर रहा है वो तेरे लिए काम कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया, और जो भर रहा है वो तेरे काम का अपोजिट कर रहा है, तेरा काम को अड़ा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव में गया, समझो ये चीज क्या हुई है, पक्का नहीं ना बेटा 1/4 कैसे होता, वो जो तू देख अगर वो डोमिनेटिंग रहता कि वो फिल कर सकता, 1/4 तू फिल थोड़ी कर रहा है उसमें उस स्पीड पे, वेट 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 मैं समझ जा तू क्या, तू बोल रहा है x अपॉन 8 माइनस x अपॉन 5 बनूंगा तो 1/4 हो जाएगा, है ना, देख नहीं ना मैथमेटिकली भी नहीं हो रहा, देखो तू LHS में -1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, RHS में -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, देखो एक क्लासिक गलती, रिति उठ जा, गुड मॉर्निंग, अब ध्यान दे, देखो क्लासिक गलती है बेटा ये वाली, उसका क्या बोलना है, सर एक काम करता हूँ ना 3/4 खाली हो रहा था इसलिए 1/4 भर देता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है 1/4 बना, तू ये सोच ये रूम में 3/4 पानी भरा हुआ था, एक क्या बोलते हैं जो लीकेज है वो 5 घंटे में ही खाली कर देगा, और जो भर रहा है वो 8 घंटे लगाएगा भरने के लिए, तो तेरे को पक्का पता है खाली होने वाला है, अगर तुमको जब पक्का पता है खाली होने वाला है तो तुम्हारा काम ही तक खाली करना है, मान के चलो तुम्हारा काम जो कर रहा है वो पहले लिख दे पॉजिटिव में, और जो तुम्हारे काम को अपोज कर रहा है, काम को अपोज कर रहा है तो पानी भर रहा है, तो वो माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम का फ्रैक्शन तुम्हारा भर एम्प्टी हुआ गया था, समझा ये चीज, यस प्लीज, हाँ आगे है पहले था एग्जाम्पल 12 बोल रहा है या आगे, एक बार देख ले अभी इसको, अभी एक बार क्वेश्चन 12 का देख रहा हूँ मैं, एक संख्या पाइप, हाँ तो जो निकाल रहा है वो माइनस जो भर रहा है इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम एम्प्टी होगा, देख चलो एक बार 12 पे आते तब अपन देखते हैं उसको, ठीक है तू जाते हैं जब हमें 12 पढ़ना था, ए बी सी आर कनेक्टेड आउट ऑफ 3, ए इज इनलेट, बी एंड सी आर आउटलेट, इफ ओपन सेपरेटली ए कैन फिल इन 10, ये 12 और ये 30, इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक, ठीक है 1/30 प्लस 1/12 माइनस 1/ जो भी था 10 इज इक्वल टू कितना होगा, हाँ बेटा एक समझ जा,
स्पीड का तो तुझे वैसे ही नहीं पता है, क्योंकि दो लोग आ गए तो दोनों कंबाइंड स्पीड क्या हो रहा है वो तुझे, देखो तुमको ऐसा नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन में, जितना मुझे आइडिया है कि सर एक सॉरी क्या वैसे पूछ सकता है वो, हाँ वैसे पूछ सकता है, बट स्टिल एक पाइप है जो 5 घंटे में फिल करता है, एक पाइप है जो 7 घंटे में एम्प्टी करता है, और दूसरा पाइप है जो 8 घंटे में एम्प्टी करता है, तीनों को खोला तो बताओ तुम्हारा पूल भरेगा या एम्प्टी होगा, वैसा नहीं पूछा था, बता देगा कि एम्प्टी होने वाला है, कौन डोमिनेटिंग है तुमको बता देगा अभी। हाँ बोलो क्या होता है। अच्छा क्या एक बार पर वहां पे आते तब देखते हैं गाइस। देखते हैं ये था क्वेश्चन नंबर 7 था। हाँ तेरा नेगेटिव में आंसर आना चाहिए एक्स का। हाँ तो सेम कैसे हो बेटा, तो तुमने पॉजिटिव कर दिया, तुम्हें खुश क्या हो रहा है? तुम लोग समझो ये चीज, देखो ओए आयुषी ध्यान दे बेटा, अगर तुम लोग एम्प्टी करने वाला काम कर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए एक समझो, तुम्हारे घर में पानी भर गया है, सुनो ओए, तुम्हारे घर में पानी भरा हुआ है और बारिश आए जा रही है, छत में से पानी घुसे जा रहा है, ठीक है? अब तुम लोग बाल्टी से उठा उठा के बाहर फेंक रहे हो, भाई तुम लोग काम कर रहे हो या काम अड़ा रहे हो? तुम कर रहे हो ना घर को खाली करने का, तुम्हारा काम कौन अड़ा रहा है, इनलेट अड़ा रहा है ना, तो काम करना माइनस काम अड़ाना हो गया ना, वो चीज इस बार आउटलेट माइनस इनलेट हो गया, तो अपना टास्क समझो, भरना है कि निकालना है, ठीक है? चलिए कैसा अंशवीर, तो आगे के लिए ध्यान रखना अभी। अंशवीर समझाया क्या चल रहा था अभी? नहीं अभी नहीं। हाँ और सुन, ऐसा कभी हुआ ना लाइफ में नेगेटिव आया तो वहीं पॉजिटिव मत करना, काटना उल्टा करना इक्वेशन को और सॉल्व करना आपस से, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। हाँ यस हाँ, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 48 मिनट्स वेयर अनादर कैन एम्प्टी इन 2 आवर्स इफ बोथ ऑफ देम, ये पहले मुझे था आवर्स में रखो कि मिनट्स में रखो, थैंक यू मिनट्स में, ठीक है? इफ बोथ टैप्स आर ओपन, ये बताओ कितनी देर में फुल होगा? अब फुलिंग है तो 1/48 माइनस 1/120 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, इसे x की कुछ वैल्यू आएगी तेरी, 240 एलसीएम हो रहा है तो 5 माइनस 2 ओवर 240 यानी 3/240 1/80 x मतलब 80 मिनट्स हो गया है, यहाँ से 80 आगे जाएगी, 20 + 60 ठीक है, प्लस यानी कितना हो जाएगा 11 बजे शायद मेरे साथ। हाँ ये सॉरी रहती, बोलो बेटा लड़ाई है ले रही है, एक सेकंड गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ मृदुल क्या आवाज नहीं आ रही, जम के बोलो क्या। हाँ ठीक है फाइन फाइन। हाँ ठीक है गाइस शांत, गाइस प्लीज शांत अभी। नेक्स्ट बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस प्लीज 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 ध्यान दो बेटा, मुझे ना आगे का पढ़ाना भी है, तुम्हें होमवर्क भी देना है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अभी, 2 पाई, अरे क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट है सॉरी 9। क्वेश्चन नंबर 10 यस, अ टैप कैन कंप्लीटली फिल इन 8 आवर्स, द वाटर टैंक हैज होल थ्रू विच इट लीक्स आउट, द लीकेज विल कॉज द वाटर टू गेट एम्प्टी इन 12 आवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द टैंक टू कंप्लीटली फिल, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है, अगर टैप की बात करूं अकेला तो 10 घंटे लगते हैं, भरे हुए पूल को वो होल को खाली करने में 12 घंटे लगते हैं, जीरो से स्टार्ट किया फिल भी कर रहा हूँ एम्प्टी भी कर, तो कितने देर में फिल होगा? तो कुछ नहीं, 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/x, समझ रही थी वो किया है तो ना अटेम्प्ट आई सपोज यस। हाँ अच्छा 25 बहुत है तो छोड़ना अभी। क्वेश्चन नंबर 11 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 12 एनीवन, 12 एक बार देख लो हाँ मैं बता रहा हूँ अंशवीर, देख यहाँ पे देखो टास्क क्या बोला था, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक, तेरा टास्क ये था खाली करना, तो देख तेरे को खाली करने के लिए तेरे पास कितने पाइप थे, आई एम सॉरी 12 देख, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, ठीक है? आपको भरना था इसमें 12 में सॉरी, ठीक है ना? तब देखो ए बी एंड सी, ए ओपन साइमेंटली, ए को 10 आर लगता है, बी को एम्प्टी करना है, सी को भी एम्प्टी करना है,
तो 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 12 माइनस 1 बाय 30 इज इक्वल्स टू 1 बाय x. ओके मेरे को बात देखने दो. हाँ वैसे बेटा फिल द एम्प्टी टैंक के बच्चा पे लिखा हुआ. हाँ क्वेश्चन गलत है, वो हो ही नहीं पाएगा कभी भी फिल. क्वेश्चन गलत है बेटा. सुन एक सेकंड सुन, जो तूने कंसेप्ट लगाया है ना, हाँ तो ये क्वेश्चन को चेंज करके हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द फिल्ड टैंक करेगा बच्चा है. ठीक है खुश हो. हाँ समझा ये चीज क्या हुआ है. इधर 12th 13th एनीवन यस. ट्वेल्थ या थर्टीन, ट्वेल्थ में दो लोग थे जो खाली करते बच्चा, जो दो लोग थे खाली कर रहे थे उसको 12 और 30 घंटे लग रहे थे. तू वन ऑन वन कंपटीशन करेगा ना फिलिंग और एम्प्टिंग में, तो फिलिंग हमेशा जीतने वाला है. बट अगर ये दोनों ने टीम अप कर लिया 12 और 30 वाले ने, एक्चुअली उनको काम पे टाइम कम लग रहा. दिखाओ तेरे को कैसे. एक सुनो को तुमको मैं समझाता हूँ. अगर तुमको कभी गेस करना पड़ रहा है ध्यान देना कि वो फिल करेगा कि एम्प्टी करेगा. फिल करने वाले को 10 घंटे लग रहे थे, एम्प्टी करने वाले दो थे 12 और 30 घंटे का. ठीक है पहले इन दोनों की मिला के पावर देख लेते. 1 बाय 12 प्लस 1 बाय 30 इज इक्वल टू 1 बाय x. एलसीएम आए 60 तो 5 प्लस 2 बाय 60 1 बाय x. तो x की वैल्यू को 60 अपॉन 7 करेक्ट. तो इसको कुछ तो भी 9 या 8 आवर्स कुछ लगने वाले, 8 पॉइंट समथिंग आवर्स लगने वाले. इसको काम करने को कुछ 8 घंटे लगते हैं, इसको काम करने के 10 घंटे लगते. फिल करने के लिए 10 घंटे लगते हैं तो खाली जगह समझा हो जाएगी. फिर उठा ये समझा गई क्या हुआ है. हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 12th 13th किसी ने पूछा था. यस हो सकता है मुझे नहीं आइडिया बच्चा. मेरे को पढ़ने तो दो रुको. ए बी एंड सी आर कनेक्टेड आउट ऑफ थ्री. ए एंड बी इनलेट है, सी आउटलेट है. इफ ओपन सेपरेटली ए फिल्स टैंक इन ए बी इन 30. If all three pipes are connected together, it takes 30 hours extra, 30 minutes extra if only A and B are opened. सुनो अब सिर्फ और सिर्फ A और B को कितना टाइम लगता था काम करने का, पहले मैं वो निकाल लेता हूँ. ठीक है A और B को कितना टाइम लगता मैं इन टर्म्स ऑफ आवर्स ही निकाल रहा हूँ. ठीक है ना इसको मैं 0.5 आवर्स दे रहा हूँ. तो वो जाएगा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30 इज इक्वल टू 1 बाय x. 4 बाय 30 यानी x वैल्यू हो रही है 30 बाय 4 मतलब 7.5 आवर्स लग रहे थे. ठीक है अब जब मैंने तीनों को ऑन किया है मतलब 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 30 माइनस 1 बाय जो भी यानी c वाला जो भी रहेगा वो टाइम इज इक्वल टू मुझे कितना टाइम लग रहा है बच्चा लोग. आधी घंटा ज़्यादा लग रहा है, आधी घंटा ज़्यादा लग रहा है तो 80 आवर्स लग रहा है ना मुझे. तो 1 बाय 8 हो गया ये. ये वन नहीं रहेगा ना, एक सेकंड ये वन नहीं रहेगा. तो एन 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 इज इक्वल टू 8 8 8 इक्वल टू 1 बाय 80 कर दूंगा मैं सिंपली. एक सेकंड माइनस 1 बाय एक्स एक सेकंड क्या इज इक्वल टू 1 ओवर 8 हो जाएगा. ये क्या 8 ओवर 10 प्लस 8 ओवर 30 माइनस 8 ओवर एक्स इक्वल टू 1 कर ले. एक सेकंड क्या एक बार इसका आंसर देख लेते अपना आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चा लोग अपनी. हाँ 7.5 आ रही थी एक्चुअल वाली. 7.5 आ रही थी अपनी मतलब कितना होता है 7.5 कितना हो रहा है अपना 30 अपॉन 4 ना तो 4 बाय 30 नहीं 30 अपॉन 4 ही हो रहा है ना. हाँ ये हो गया मेरा 30 अपॉन 4 इधर उधर किया. नहीं बेटा 1 अपॉन का ही. हाँ फिर वो 4 अपॉन 30 ऐसा 1 अपॉन x हो रहा था. 4 अपॉन 30 हो रहा था मेरा इधर उधर किया बेटा मैंने. तो 4 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन x. तब एलसीएम क्या है मेरे देखिए ऐसा करने की जगह पे ना आपने कितने कितने टाइम से वो 1/10 एंड 1/30 था ना. ये देखो 3 4 4/30 माइनस 1/x इक्वल टू 1/8
फोर अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. एलसीएम कितना आ रहा है इसका 120. फिर 16 माइनस 15 अपॉन 120 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. एक्स की वैल्यू 120. रीजॉइन कर अंशवीर, रीजॉइन कर अंशवीर. समझा गई ये क्या हुआ है? आर्स है 120 आर्स भी चांस है. क्या हो गया सबका टोटल टाइम एट होगा ना बेटा? देख चले कितनी कितनी दिया है ना आगे. यहां पे देख कहां है क्वेश्चन नंबर क्या था ये 13 था. एक संख्या अनदर बाई सी कैन एम्प्टी इनिशियली ये है सी इन हाउ मच. सॉरी थैंक यू बेटा प्लीज शांत शांत शांत. देख इफ ऑल थ्री पाइप आर ओपन टुगेदर तीनों को साइमल्टेनियसली ओपन किया था तीनों के तो इक्वल आवर्स चलोगे ना 8 घंटे चलोगे ना. हाँ चल रहे एन बाय एट हाँ एन बाय एट कैसे चलाओ? एन क्या है जरा? एन का मतलब क्या हुआ है? टोटल टाइम जो खाली होने के लगा है, टोटल टाइम जो खाली होने के लगा है वो नहीं है बच्चा. वो एन का मतलब है यहाँ पे कितने टाइम चला है. ठीक है पाइप कितने चला तो 8 घंटे तक पता है ना. तो 8/10 प्लस 8/ जो भी था वो 30 माइनस 8/ उसको खाली करने को कितना टाइम लग रहा है वो चलेगा ना. देखो ये समझ गया है ए को कितना टाइम लगता है भरने के लिए 10 आवर्स, बी को भरने के लिए लगता है 30 आवर्स, सी का देखो आवर्स पता ही नहीं है. तीनों 8 घंटे चले तेरे को पता है, तूने निकाल के दिया मुझे कि ये दोनों से ही 7.5 घंटे चल रहे थे. अब बोले तीसरा भी जो शुरू हुआ तो तीनों को मिला के 8 घंटे लगे, तीनों 8 घंटे चले. तेरा सिंपल इक्वेशन तो ये बनता था ना 8/10 प्लस 8/30 माइनस 8/x इक्वल टू 1, जिसे एक्चुअली अपन 1/10 प्लस 1/30 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में अभी तक लिखते हुए आ रहे थे. 1/8 था मेरे को n का मतलब पता. तेरा n क्या है वहाँ पे? देखते हुए इक्वेशन लिखा है n/10 प्लस n/30 प्लस n/8 माइनस n/8 इज इक्वल टू 1. अब देख तेरा n का मतलब क्या है यहाँ पे बता मुझे. हाँ वो गलती से आ गया है यहाँ मैथमेटिकली दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है कि दिस 10 एंड 30 ऑब्वियसली मीन्स नॉट कितना देर चले. इट मीन्स हाँ तो जितने में कर सकते तो यहाँ था तो यहाँ पे भी जितने में कर सकते थे वो आना चाहिए था. समझा तुझे? तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू आनी चाहिए थी एन और यहाँ पे कितनी देर चले वो आना चाहिए था. समझा गलती जरा? गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13. 14 एनीवन? 14 में डाउट है या रुकू बोल रहे तो? ओके आई एम वेटिंग. देखते एक बार उसका हो जाने करूं मैं 14. यस टाइम रिक्वायर्ड बाय टू पाइप्स ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली टू फिल अ टैंक इज 36 एंड 45. अनदर पाइप सी कैन 30 इनिशियली ए एंड बी आर ओपनड एंड आफ्टर 7 मिनट सी इज ओपनड आफ्टर हाउ मच इन हाउ मच मोर टाइम अ टैंक इन हाउ मच मोर टाइम द टैंक वुड बी फिल्ड कंप्लीटली. 7 मिनट के बाद की बात हो रही है क्या हो रही है देखते हैं वो सब बाद में करते हैं. एक सेकंड रुक जाओ अपन पहले देख रहे हैं कितना टाइम लगने वाला है फिल करने के लिए अपने को टैंक. ठीक है ना? तो मान लो अपने को एन आर्स में फिल हुआ है टैंक. ठीक है तो ए भी मेरा एन आर्स चला है, बी भी मेरा एन आर्स चला है एन मिनट सॉरी, सी मेरा एन माइनस 7 मिनट चल रहा है. ठीक है तो मेरा जाएगा एन अपॉन 36 प्लस एन अपॉन 45 माइनस एन माइनस 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 सॉरी 30 सॉरी 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 मैंने ये देख रहा था. हाँ ये इक्वल टू 1 है. हाँ यहाँ इक्वेशन मुझे डिक्टेट करिएगा, मुझे इक्वेशन डिक्टेट कीजिएगा.
गाइस शांत, एक सेकंड गाइस, एक नहीं नहीं एक इक्वेशन क्या बनी थी अपने, बोले एन ओवर ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम कितना आ रहा है 180, तेरा 5n प्लस 4n माइनस 6 टाइम्स n माइनस 7 द होल अपॉन 180 एंड इक्वल टू 180 हो गया, तो ये हो गया 9n माइनस 6n प्लस 42 इज इक्वल टू 180, 3n इक्वल टू 222, तो n इज इक्वल सॉरी इज इक्वल टू कितना हो रहा है वो 138, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 46। सुनो 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 मैं बता दूं तुमको, वहां पे उसने ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में हाउ मच टाइम विल इट टेक, उसने ये जो फालतू में कर दिया हाउ मच मोर टाइम वुड इट टेक, वो 7 मिनट के बाद का पूछ रहा है टाइम, हाउ मच मोर टाइम वुड इट टेक टू फिल द टैंक, टू गेट द टैंक फिल्ड कंप्लीटली आफ्टर सी वॉज ओपनड, ऐसा मैं चाहिए था तो उसका मतलब हो गया कितना 39 मिनट्स ही लगे है, अपन ने 7 मिनट्स माइनस फाइनल टाइम से नहीं किए थे, अपन ने एन क्या माने है कितना टाइम लग रहा है टोटल जब ए शुरू हुआ है, एन माइनस 7 कितना टाइम है जो सी शुरू हुआ है, तो वो मुझे ये बोल रहा है सी कितना देर काम किया था टोटल, ठीक है दिस वाज 14th कितने क्वेश्चन थे भाई, हाँ 15th क्वेश्चन एनी वन, 16th एनी वन, 17th एनी वन, यस ए एंड बी कैन फिल इन ये एंड ये, सी कैन एम्प्टी इन ये तब हुआ, ये तब हुआ, ये तब हुआ, बताओ कब फुल एम्प्टी होगा, पहले तो खाली होने वाली बात है ठीक है, तो देख मेरे को मैंने मान लिया है कि मेरा एन आर्स बाद जब पहला शुरू हुआ था उसके एन आर्स बाद खत्म हुआ होगा, तो ए मेरा चला है एन आर्स, बी उससे एक घंटा कम चल रहा है, सी टोटल मिला के 3 घंटे कम चल रहा है, अब ये एम्प्टी करने की बात आई है गाइस ठीक है ना, हाँ क्या हाँ वो भर सकता है 12 आवर्स में, तू 10 घंटे में कोई काम कर सकता है, तू अगर 9 घंटे लेट शुरू कर रहा है तो तू 1 घंटे में कर देगा काम, वो देखो अभी भी 10 घंटे ही लगने वाला टाइम काम करने के लिए, समझा देखो पक्का, तो देख तुझे टाइम काम करने के लिए इतना ही टाइम लगने वाला था, तूने कितना देर काम किया ये उसकी बात हो रही है, इसने 8 बजे शुरू कर लिया और मान ले तुम लोगों का सबका काम रात के 8 PM को खत्म हुआ है, इसने 12 घंटे काम किया, तूने इस कैलकुलेशन का साथ, अरे यार रुजे तेरा वही आंसर आ जाएगा, रुजा रुजा के मान ले ये 2 PM को खत्म हो रहा है, तो बेसिकली इसने 6 घंटे काम किया, इसने अब 5 ही घंटे काम किया, इसने 3 ही घंटे काम किया, काम कितनी देर खत्म हो रहा था उससे फर्क नहीं पड़ता है, फिर देखिए एक सेकंड वापस से देखिए, तो देखो इक्वेशन तुम्हारी क्या बन जाएगी, ए तो एन आर्स काम कर रहा करा है, एन ओवर नहीं जो ये उसका ये एन आर्स काम किया है ए ने, इसने किया एन माइनस वन, इसने किया एन माइनस थ्री, अभी एम टी करने वाली बात थी, तो एन माइनस थ्री अपॉन 4 घंटे माइनस एन माइनस वन अपॉन कितने घंटे थे 12 आवर्स माइनस एन अपॉन 15 आवर्स इज इक्वल टू 1 होगा, पूरा काम हो गया, तुम्हारा काम एम टी करने का था ना, तुमने पूरा काम कर लिया ठीक है, समझ आता है क्या हुआ है, करके देखो सॉल्व इसको, एक सेकंड क्या ओह नो तेरा बोलना है तूने इसको लिया था n प्लस 3, इसको लिया था n प्लस 2, इसको लिया था n, नहीं नहीं उसको प्लस पे कैसे लेगा तू, तो इसको n n प्लस 1 n प्लस 3 लिया था ना, तू मुझे पता था ए वाले ने तेरा कितने देर काम किया तेरे हिसाब से,
एक्स आवर्स, बी वाले ने कितनी देर काम किया और सी वाले ने, तो फिर तेरी इक्वेशन क्या आई थी? इज इक्वल्स टू, वो नहीं बता दे, ठीक है गाइस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17th, 18th एनी, यस 2 pipes A and B can fill 20 and 30, both are open to fill a tank, but when the tank is one-third full, a leak develops in the tank through which one-third water supplied by both the pipe goes out. Oh boy. जितना भरा हुआ था उसका वन थर्ड भर गया है, हाँ नहीं तो टोटल ओवरऑल इसमें समय में, हाँ देखो मैं तुमको बताता हूँ क्या हुआ है पहले सिचुएशन, ए और बी पानी भरे जा रहे थे, जब वन थर्ड भर गया था तब एक समझ लो ये था, समझ लो क्या 300 लीटर की टंकी थी, अभी 100 लीटर 900 लीटर की टंकी थी मान लो, ठीक है तो अभी 300 लीटर भर चुका है, ठीक है अब एक गड्ढा आया यहाँ पे जो अपने धीरे 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 काम किए जा रहा है, जब तुम्हारा पूरा का पूरा भर गया था ये, तब तक उसने इसका वन थर्ड मतलब 300 का वन थर्ड मतलब 100 लीटर्स को बाहर फेंका था, एक शॉट में वन थर्ड थोड़ी खाली गया, एक सेकंड, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल इन ए एंड ए आर, बोथ द पाइप्स आर ओपन टू फिल द टैंक बट द टैंक इज वन थर्ड फुल, बट व्हेन अ लीक डेवलप्स इन द टैंक थ्रू विच वन थर्ड पाइप वन थर्ड ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप गोज आउट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दिस टू गेट फुल्ली फिल्ड, ठीक है एक बार के लिए मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ इसका, गिव मी टाइम फॉर दिस वन, मेरे हिसाब से जो मैंने तुमको बताया है ना कि जब तक फुल्ली फिल किया तुम लोगों ने 900 लीटर तक के जब तक मरते मरते पहुंचे तब इसने 100 लीटर को हटा दिया था वैसा वाला तब तक, हाँ एक बार के लिए देख के मैं बताता हूँ तुम लोगों को, ठीक है क्वेश्चन नंबर 19th एनीवन, 19th नहीं मेरे से नॉट श्योर, देखते हैं सॉल्व नहीं कैसे आएगा गाइस, ये वाले अपन करेंगे, सुनो 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 गाइस, कल का सेशन बहुत सिंपल सा है, अपन लोग एलिगेशन एंड मिक्सचर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट रहेगा, वो यार वो स्टार्टिंग के है वो कर लेंगे अपन लोग, ये एलिगेशन मिक्सचर मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ वही उसी में आएगा, मॉड्यूलो वगैरह जो आता है ना वो है, वो वाली सी बात है क्या, हाँ वो कल 18th में चेक है कल तक, ठीक है विधि बेटा प्लीज होमवर्क कर लेना कल तक के पूरा।